नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एनम का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इनमें से सभी सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रहा है उन बच्चों को कि क्या जेनम वाले भी भर सकते हैं या केवल एनम के लिए है, बीएससी नर्सिंग वाले। पीईटी का कट ऑफ क्या होगा, क्या इसमें पीईटी का स्कोर जरूरी है या नहीं जरूरी है, इन सभी को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चों को, इसीलिए अभी शायद बच्चे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो जो आपके डाउट है कि कौन भर सकता है फॉर्म एनम से रिलेटेड या जेनम से रिलेटेड, मैं पहले भी बता दे रहा हूं कि भैया यहां पर जो ये फॉर्म है, ये जेनम आपके जो हो जाते हैं ना, ये जेनम के लिए नहीं है। ये आपके जो जेनम वाले होते हैं, जेनम के लिए फॉर्म नहीं है, ये जेनम के लिए नहीं है, सिर्फ एनम के लिए है। बीएससी नर्सिंग वालों के लिए भी नहीं है, जो ये सच कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्या पीईटी लगेगा इसमें, पीईटी का स्कोर, बिना पीईटी वाले भी एलिजिबल हैं। बिना पीईटी वाले एलिजिबल नहीं है, आपको पीईटी एग्जाम अगर आपने दिया है तभी आप एलिजिबल हो। ये पूरा मैं डिटेल से आपको बता दे रहा हूं। तो एनम की तैयारी करने वाले बच्चे एकदम तैयार हो जाइए। परीक्षा प्लस के द्वारा एक कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें आपको संपूर्ण पूरा एक नया बैच है, एक पुराना बैच हम ऑलरेडी चला रहे थे पहले से, तो वो क्लासेस भी आपको इस बैच में मिल जाएंगे। ये एनएम 2.0 के नाम से है, अभी ऑफर प्राइस 499 में फुल बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, इसकी लाइव क्लास मंडे से चलेगी इस नए बैच की। बाकी आपको जो पुराना बैच है ना, वो वीओडी 1 के नाम से उस बैच में दिया गया है। पूरा स्टडी मटेरियल और इसका वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगा। जिन्हें भी तैयारी करना है, आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें। क्या इंस्टॉल करना है आपको? परीक्षा प्लस ऐप, और परीक्षा प्लस ऐप के थ्रू आप यहां पर रजिस्टर करके, या जो नंबर दिए जा रहे हैं, जो आप नंबर यहां पर है ना, इन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, 9450006007। अगर आपको कोई समस्या है आप बैच लेने में, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं कि कुछ बच्चों के जो डाउट सबसे ज्यादा हैं वो पीईटी को लेकर हैं कि पीईटी भाई उत्तर प्रदेश में अब कोई भी अधीनस्थ से अगर भर्ती आती है तो उसके लिए पीईटी का स्कोर मांगा जाता है, और पीईटी के स्कोर के बेसिस पर ही आप मेंस देते हो। तो पीईटी इसमें कौन सा वाले एलिजिबल हैं? पीईटी 2022 या 23, 24 का तो अभी आया नहीं है, तो भाई कौन वाले एलिजिबल है? तो यहां साफ साफ बोला है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा है ये, क्योंकि पीईटी को ही हम लोग प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट मानते हैं। तो जो 2023 का पीईटी दिया है उसी के स्कोर के बेसिस पर आपको यहां पर क्या किया जाएगा, मेंस के लिए छांटा जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे, अपना पीटी स्कोर होगा उसी के बेसिस पर। तो यहां दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा 2023 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जो वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा 2023 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में शून्य या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब निगेटिव या जीरो नंबर वाले आपके एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है? तो अगर हम बात करें इसके पिछले इतिहास की, तो पिछली बार जो इसका कट ऑफ गया था ना, वो शून्य से, मतलब पॉजिटिव गया था, शून्य से ऊपर ले, जीरो से ऊपर कहा गया था, जीरो से जितने भी ऊपर हैं पॉजिटिव उन सबको ले लिया गया था। तो उस समय भर्ती आपकी जो 9000 से ऊपर भर्ती थी, ये ध्यान रखिएगा, और उस समय बहुत सारे लोग, पहली बार पीटी हुआ था तो बहुत सारे लोग पीटी नहीं दिए थे। तो क्या इस बार कट ऑफ क्या जाएगी? तो इस बार पीटी की, अगर 2023 की अगर हम कट ऑफ की बात करें कि कितने स्कोर वाले, पीटी के कट ऑफ स्कोर की बात करें कि कितने स्कोर वाले सेफ होंगे, तो भैया 2023 में अगर आपके मार्क्स कितने नंबर से, अगर आपके मार्क्स 10 नंबर से या 15 नंबर से, 10 से 15 के बीच में मान के चलो कि इससे अगर ऊपर है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है?
क्योंकि लोग ही नहीं मिलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि पिछले बार वाले में ही सीटें बहुत खाली चली गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 10 से 15 ये भी ऐसा बोल दिया, बाकी इससे नीचे भी हो सकता है और थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस भी हो सकता है, इतने मान के चलो, ठीक है। तो इतने मार्क्स वाले तो एकदम अच्छे से एलिजिबल आप हो जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। तो पीटी 2023 वाले, बाकी और अर्हता क्या चाहिए, जो मेन उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष और महिला अराजपत्रित सेवा नियमावली 2018 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पद पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हता होना आवश्यक है। यहां पुरुष नहीं भर सकते हैं, ये सिर्फ महिलाओं के लिए भर्ती है, ये ध्यान रखिएगा, पुरुष के लिए इसमें नहीं है। अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो, मतलब आप 10+2 पास हो या उससे रिलेटेड कोई भी डिग्री अगर 10+2 से समकक्ष होती है जो सरकार की, वो आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ एक तो 10+2 हो गया, दूसरा क्या चाहिए आपको, अभ्यर्थी ने भारतीय परिचार्य परिषद के संयमों के अनुसार एक वर्ष छ माह मतलब 1.5 साल का, या 2 वर्ष का सहायक नर्सेस एंड मिडवाइव्स एनम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो, और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो, मतलब एनम आपने अगर किया है जो 1.5 साल का या 2 वर्ष का सहायक नर्सेस एंड मिडवाइव्स होता है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसमें प्रसूति से संबंधित 6 माह भी इंक्लूडेड है, तो वो आप एलिजिबल हैं। जेनम वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, यहां साफ साफ कहीं जेनम की बात नहीं की गई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या बीएससी नर्सिंग वाले एलिजिबल नहीं है, बीएससी नर्सिंग हो गए चाहे जेनम हो गए, ये स्टाफ नर्स जो लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती आती है स्टाफ नर्स की, यहां महिला स्वास्थ्य कर्मी का नहीं हम बात कर रहे हैं, स्टाफ नर्स में आप एलिजिबल होते हैं, यहां पे नहीं एलिजिबल होते हैं। तो ये मेन अर्हता है कि मतलब 10+2 के साथ अगर आपने एनम किया है तो आप एलिजिबल है, इसके अलावा जेनम वाले नॉट एलिजिबल, जो जेनम है वो एलिजिबल नहीं है, बीएससी नर्सिंग है वो एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं बार बार बता दे रहा हूं, अब डाउट नहीं होना चाहिए। और क्या अधिमानी अर्हताएं हैं वो ध्यान लिख लीजिए, वो आपको एक प्रिफरेंस दिया जाता है कि अगर आपने सेना में 2 वर्ष का अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर में आपका एनसीसी में बी का प्रमाण पत्र है, उसके बाद से एक कुछ नोट दिया गया है, वो उन लोगों के लिए है जो एज ए स्वास्थ्य कर्मी संविदा पे हैं, उनके लिए क्या छूट है वो देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष महिला अराजपत्रित सेवा नियमावली 2018 के भाग 5 के नियम 15 के अनुसार का क्या बोलता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष या स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पदों पर सीधी भर्ती समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती रीति और प्रक्रिया के नियमावली 2015 के अनुसरण में की जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स या मिडवाइफ के रूप में कार्यरत व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों के अध्यधीन निम्नलिखित रीति में अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे, मतलब जो पहले से संविदा पे हैं उनको 15 अंक मिलेंगे, जो संविदा पे ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, अब वो कैसे मिलेंगे यहां पर देख लीजिए। संविदा के आधार पर पूर्ण की गई सेवा के प्रथम वर्ष के लिए 3 अंक, अगर आपने संविदा में आपको लिखा गया है आपने पहला समय साल आपने पूरा कर लिया है तो उसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, और दूसरा क्या है, संविदा के आधार पर की गई सेवा में अगले और सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक, जितने साल आप वर्क करोगे संविदा पर उतने वर्षों के लिए 3-3 अंक आपको मिलेगा।
और ये बोला खंड ख के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अधिमानी अंकों को जहां पर लागू हो आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा। मतलब आप जो लिखित परीक्षा में पाओगे और प्लस ये वाले मार्क्स आपने जितना दिन सेवा किया है मैक्सिमम 15, तो आप 5 साल संविदा पे हो तो 5 या 15 मार्क्स, ऐसा नहीं कि आप 6 या 7 साल संविदा पे कार्य किए हो तो 3-3 मार्क्स जुड़ जाएगा, मैक्सिमम आपको 15 ही मिलेगा, ये जान रखिएगा। अब वो 3 साल किए हैं तो 3 × 9 नंबर, 3×3 = 6, 3×9 नंबर मिलेगा, 4 है तो 12 और 5 साल कंप्लीट है तो 15, ऐसा नहीं कि 7 साल आप कंप्लीट किए हैं तो 21 नंबर मिल जाएगा, मैक्सिमम 15 नंबर आपका दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो एज रिलैक्सेशन तो आपकी देखो क्या है, 18 वर्ष की आयु कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब एज आपकी जो जनरल होनी चाहिए वो 18 से 40 होनी चाहिए। बाकी जो ओबीसी और एससी एसटी को जो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के द्वारा छूट मिलती है वो आपको यहां पर मिलेगी, और साथ ही साथ उनकी एज क्राइटेरिया क्या होगी जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके सहायक नर्स या एक तरह से बोला जाए संविदा के आधार पर जो है सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत हैं और इस नियमावली के नियम 8(2) में विहित अर्हता धारण करते हो कि ऊपरी आयु सीमा सीधी भर्ती के लिए उन्हें पात्रता योग बनाए जाने हेतु अधिकतम 5 वर्ष के अध्ययधीन उतनी पूर्ण की गई सेवा वर्षों जितनी वे संविदा के आधार पर किए हों तक अधिक होगी। मतलब मैक्सिमम उनको 5 साल की छूट और जितना उन्होंने एज ए वर्क किया है वो उसमें लिया, मान लो आपने 3 साल ने किया है तो 3 साल का आपका छूट हो गया, 4 साल 5 साल जितना आपने वर्क किया है वो आपको अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई आपको अगर डाउट हो तो आप अपने डाउट को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो एलिजिबिलिटी वाली जो दिक्कत थी वो मैंने आपको पूरी तरह से अच्छे से क्लियर कर दी। बाकी देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है और पेपर भी ठीक ठाक आता है, तो यूपी ट्रिपल एससी समय तो देता ही है आपको, अभी कई सारे मेन सब एग्जाम इसके बाकी हैं तो आपके पास समय अच्छा खासा है, यूटिलाइजेशन करिए, पद भी बढ़िया है और जिनके भी पीईटी के स्कोर 10 से ऊपर हैं लग जाइए तैयारी में। मेरा देखो 10 से 5 ये भी हो सकता है कि आप सब लोग मैक्सिमम, क्योंकि पिछली बार 0 से ऊपर सबको ले लिया गया था तो उस समय 9000 पद था, तो मान के चलो कि उस समय तो इस समय 5-7, ये मैं नहीं कर रहा हूं 10, हो सकता है कि लोग ही ना मिले और पीईटी 2023 के स्कोर भी तो इस बार बहुत पेपर टफ था। तो मेरा ये कहने का मतलब भी है कि मैंने 10 तो आपसे बोला है लेकिन 10 प्लस माइनस मैंने आपसे 5 बोल रहा हूं कि प्लस माइनस 5 ऊपर नीचे आप करके तैयारी कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म जरूर भरिएगा, 0 से सभी लोग जितने पॉजिटिव मार्क्स वाले हैं ना सभी लोग फॉर्म भरना, हो सकता है कि 0 से ऊपर ही बुला लिया जाए, ठीक है। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट पर, कितने लोग पीटी दिए हैं, तो एक मैं बता रहा हूं कि पिछले की अपेक्षा हो सकता है इस बार ज्यादा लोग जागरूक हैं तो आपके हो सकता है कि पीटी मैक्सिमम लोग दिए होंगे तो उस हिसाब से कट ऑफ 5 या 10 से ऊपर जा सकती है, बस इतना मेरा कहना है। बाकी जिनको तैयारी करना है, जिनके भाई मार्क्स अच्छे हैं वो अपना मार्क्स बैच ले सकते हैं परीक्षा प्लस ऐप से, पूरा ये बैच मंडे से आपकी लाइव चलेगी। बाकी जो पुरानी क्लासेस हैं वो भी आपको एड ऑन दिया गया है और जो आपके नोट्स हैं वो भी आपके लगा दिए गए हैं। जो समस्या होगी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।